टीवी न्यूज। पूरे देश में महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर चिराग पासवान के दिल्ली के कार्यालय में महिलाओं के सम्मान कार्यक्रम किया गया और महिलाओं के लिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और इस कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष ने महिलाओं के लिए कहा कि महिला आज अबला नहीं है, महिला दुर्गा है और देश में महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चों को भी जागरूक करने को कहा और लड़कों को ये भी समझाना होगा कि महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। पीएसए दिल्ली से राजी तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मैडम आपका नाम? मेरा सुनैना तंवर वाल्मीकि, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैडम ये बताइए, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके क्या विचार है? मेरे महिलाओं को लेकर यही विचार है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छा हम जैसे सिखाएंगे वैसे ही वो शिक्षा पाएंगे। क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को सुरक्षा है? हाँ जी, अब तो हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छे। क्या लगता है दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए सुरक्षा है, क्योंकि महिला दिवस मनाया जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ महिला की सुरक्षा है कि नहीं? जी, है जी, जी। अब आज जैसे हमारे संविधान मोदी जी ने डाले हैं, दिए हैं, तो महिला अब काफी सुरक्षित है। दिल्ली के अंदर आए तीसरे दिन बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ शोषण होता है, क्या उसको लेकर आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस भी सतर्क है या आप लोगों की तरफ से भी कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से आए तीसरे दिन इस तरीके की घटनाएं घटती हैं? हमारी तरफ से तो यही कमी है, हम अपने अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं देते, उन्हें ये नहीं बताते कि महिलाओं के साथ गलत काम करने से हमें क्या सजा मिलेगी, वो भी किसी की बहन बेटी है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं देश की महिलाओं के लिए? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक तो महिलाओं को अपनी बेटियों को शिक्षित बनाइए और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा दे के महिलाओं की इज्जत करें। थोड़ा सा आपका नाम? कमला कुमारी। ये बताइए, आज महिला दिवस है, महिला दिवस पे क्या समझते हैं आप लोग? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं विश्व की सभी महिलाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और बधाई देती हूँ। और महिला दिवस पर जो महिलाएं, एक तो बहुत ही सबसे ज़्यादा समस्या है बेरोजगारी, और उनको जो है जागरूक करना है, जागरूकता उनमें नहीं है, उनका हक और अधिकार क्या है, ये लड़ाई हम लोग आज हमारा जो मुद्दा होगा कि महिलाओं को उनका हक अधिकार मालूम होना चाहिए कि उनका क्या हक अधिकार है। दूसरा, उनकी शिक्षा, जो शिक्षित नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा है, मतलब उनको साक्षर करना, ये बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो आज का जो मुद्दा है तो उनको जागरूक करना है, और समाज में कहीं उत्पीड़न हो रहा है तो सारी महिला एक इकट्ठी होकर, और तब उसकी लड़ाई सब मिलके लड़ेंगे, तभी संभव होगा। और हम ये कहेंगे उनको, महिलाओं को, कि बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों में अच्छे आप संस्कार डालो। इस समय जो परिस्थितियां हैं, आए दिन बलात्कार हो रहा है, तो इसका कारण है कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं है। तो हर कोई माँ अपने बेटे को एक अच्छा संस्कारी बच्चा बनाए, जिससे कि वो समाज में ऐसी महिलाएं या ऐसे बच्चे या छोटे बच्चों का भी बलात्कार होता है तो वो सोचे कि नहीं, ये हमारे परिवार की है, ये मेरी बहन है। इस तरह से हमें जागरूक करना है, क्योंकि कोई भी कानून इस जो अपराध हो रहा है इसको खत्म नहीं कर सकता है। जब तक कि मैं उनके हृदय में परिवर्तन नहीं लाऊंगी, उनको जागरूक नहीं करूंगी, तो हम सभी महिलाओं को कहेंगे कि अपने अपने एरिया में, हर जगह, रूरल एरिया जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो उनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता है, उनके बीच में जाएं, उनके बच्चों को शिक्षा दें, उनके अच्छे संस्कार कैसे डालें, माओं को समझाएं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें और शिक्षा नहीं। दिवस के मौके पर आज यहाँ पर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे देश की महिलाओं के लिए? सभी महिला, सबसे पहले तो महिला होने के नाते मैं अपनी सभी देश की बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज के दिन ऐसा है कि पूरे देश दुनिया में आज के दिन महिलाओं के सम्मान के लिए
आज बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जगह जगह पूरे देश में। मैम, हर जगह कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति आपको लगता है कि सुधरी है? हाँ, बहुत सुधरी है जी। लेकिन महिला कहीं की किसी जगह में कमजोर अपने आप को साबित नहीं कर पा रही हैं जी। जितना हो रहा है लड़ाई लड़ रही हैं जी। अगर हमारा पुरुष प्रधान समाज था पहले, जो आज़ादी के बाद, आज़ादी के कुछ दिन के बाद महिलाओं को घर में रखा जाता था, महिलाओं को एक वस्तु समझ के उनको घर में रखा जाता था, बाहर निकलने का अलाउ नहीं था। लेकिन जब से पंचायती राज का चुनाव हुआ, 50% आरक्षण मिला, महिलाओं बाहर निकली, वो अपने अधिकार को जानी, अपने कर्तव्य को जानी, घर हो चाहे बाहर हो। एक तरफ आप महिला को काली दुर्गा के तरह आप पूजते हैं, देवी दुर्गा महिला का 9 रूप होता है, काली दुर्गा सरस्वती जितना ही रूप है वो हमारी महिलाएं हैं। अगर महिला अगर अपने जीवनी में आती है तो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जब तक महिला को आप सम्मान नहीं दीजिएगा तब तक देश का कल्याण नहीं होने वाला है। महिला सशक्तिकरण तभी हम सच्चा मानेंगे जब हमारी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के उत्थान के लिए छोटे छोटे काम करते रहते हैं, हर हमेशा महिलाओं को समय समय पर उनके उनको उत्थान के लिए हमेशा काम करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मुखिया से बात करते हैं, एक जनप्रतिनिधि से, छोटा छोटा जनप्रतिनिधि से बात करते हैं, तो लगता है महिलाओं कि आज हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक हम लोग देखे नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हम लोग खासकर मुझे देखिए, आज वो हमको नहीं देते टिकट तो क्या मैं आपके सामने दो लाइन नहीं बोलने के लायक रहती? क्योंकि आप हमसे पूछते नहीं जनरल लेडीज के तरह, इसलिए इसके मैं अपने लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी आज हम लोग के बीच नहीं है, उनकी भी कमी खल रहा है। लेकिन मैम, इतना सम्मान, इतना प्रचार गवर्नमेंट करती आई है महिलाओं के लिए, इतना कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न से लेकर और जो रेप के मामले आते हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कहाँ कमी रह जाती है? कमी नहीं रह जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के बदनाम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे आदमी होते हैं उग्र टाइप के लोग, उनका गंदा सोच है, गंदा विचार है। अब देखिए ना, कहाँ नहीं, कब नहीं नारी को अपना परीक्षा देना पड़ा, रामायण हो, सीता जी को भी परीक्षा देना पड़ा, तो हम मनुष्य हैं तो हमें भी तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सुधरेंगे, अभी तो बहुत सुधार हुआ है। हमारे ही देश के ना रजिया सुल्तान थी, झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, संघर्ष करके आई है। मैं 2001 से जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने भी काम किया अपने जिला में, मैं मेरे घर में कोई जनप्रतिनिधि नहीं थे, सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बना अपने मुजफ्फरपुर जिला में, 10 साल उसमें काम किया, तो संघर्ष करते करते मैं MLA भी बनी 10 में, अभी मैं सांसद हूँ, तो संघर्ष किए तभी तो मुकाम मिला ना। संघर्ष करना महिला में जो है पुत कपूत हो सकती है, माँ कुमाता नहीं हो सकती है, इसलिए महिला में जो दया एक भगवान से जो आप मांगते हैं, अपने आँख बंद करके अगर महिला को देखिए तो उनसे भी प्रार्थना की, तो माँ दया के करुणा है, माँ दया के सागर है, माँ माँ है, अगर उन पर कितना भी अत्याचार हो उनको सहने का भगवान शक्ति दिया है। मैं पहले ही कही हूँ, काली लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सब तो हम महिलाएँ हैं, हम किसी के नानी के रूप में आते हैं, बेटी के रूप में आते हैं, बहू के रूप में आते हैं, बहन के रूप में आते हैं, हमारा 9 रूप होता है। इसलिए जो हमारे सरकार कर रहे हैं, हम महिला आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हर चीज़ में हम किसी से कम नहीं हैं। थैंक यू मैम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज के लिए आप स्त्रियों के लिए क्या शिक्षा, क्या किस तरीके का व्यवहार रहे, किस तरीके से लोग आगे बढ़े महिलाएं? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं बेसिकली मेरा नाम रुचिता शर्मा है, मैं मणिपुर से बिलोंग्स करती हूँ और मैं इस पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी तरफ से तो महिलाओं को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या उसको फैमिली का बैकग्राउंड से हम लोग को सपोर्ट मिलेंगे तभी औरत आगे बढ़ सकती है।
जब तक परिवार का सहारा नहीं मिलेगा तब तक तो हमें आगे बढ़ने में कोई भी सहयोग नहीं करेगा। परिवार का सहयोग ही मिलेगा तो परिवार को आगे, ये लड़कियों को आगे जाने में कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा कि उसको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन एक चीज मैं चाहती हूँ कि इंडिया में कहीं भी रहे, अभी तक हम कह नहीं सकते कि ये सब लोग सुरक्षित है। हमारे अपने देश के ही बहुत लोग यहाँ रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि छिपा देते हैं, कि आपस में मिलके छिपा देते हैं कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। हम चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं के अंदर में वो खुल के आए, बताए, बताएंगे तो हम समझेंगे, तो उसका कुछ सोल्यूशन भी हम कर सकते हैं। बिन बताए तो हम लोग सोल्यूशन भी नहीं कर सकते। हाँ, प्रायोरिटी तो हम एजुकेशन है, एजुकेशन तो हर कोई देते हैं, लेकिन कौन सी तरह के एजुकेशन देना है वो समझना बहुत जरूरी है। एजुकेशन मीनिंग क्या है? एजुकेशन मतलब सिर्फ पढ़ने से लिखने से नहीं होता, एजुकेशन में हम लोग अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग को समझना है, जानना है। जैसे कि हमारे वहाँ के लोग होते हैं, हम लोग मार्शल आर्ट्स में बहुत आगे हैं, तो उससे क्या होता है कि किसी भी एंगल में हम लोग रात में भी कभी कभी इंसान है कहीं जाते हैं, लेट हो जाते हैं, पहुँच नहीं पाते, गाड़ी नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे जगह है कि मतलब लोग उसका एडवांटेज लेने के लिए तैयार होते हैं, तो उस समय हमें इन लोग से कैसे सुरक्षित करना है, उसे उसके लिए सुरक्षित का हम एक तरह से उसकी एक सिक्योर लाइन बनाने के लिए हम सबसे ये चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा एक डिफेंस सीखे। उसको सीखने के लिए अवेयरनेस देने में भारत सरकार हमें सहयोग करे, ताकि औरत को कहीं भी निकले या लड़कियों को कहीं भी निकले तो सेल्फ डिफेंस का कम से कम उन लोग का स्कूल में भी ये शिक्षा होनी चाहिए। आप लोग, अगर हम लोग इस बात को अपने सरकार को, अपने गवर्नमेंट को, अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी को हम अगर कहते हैं कि मतलब लड़कियों को सुरक्षित होने के लिए हम लोग को सेल्फ डिफेंस के लिए ये चीज़ दिया जाए, तो फिर अगर इनके तरफ से हमें ये अलाउड हो जाए तो मुझे लगता है कि मतलब हम लोग को अपने आप को डिफेंस करने में जो फर्स्ट एड मिलती है वो हमारे पास क्या होता है, हम लोग के पास एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद आते हैं, वो नहीं, हम डिफेंस कर रहे हैं उस समय कोई आ जाता है तो फिर हम लोग बचने से कोई नहीं, कुछ वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगे, ये मेरी मानना है। बाकी तो वो तो है कि सरकार जो कहेंगे उसी में हमें चलना है, क्योंकि हमें इसी भारत में हम लोगों के साथ जुड़ के जीना है, तो हमें इनका जो डायरेक्शन है उसमें चलने के लिए हम तैयार है। लेकिन हम चाहते सेल्फ डिफेंस के लिए, औरत के लिए, और स्कूल्स में, खासकर स्कूलों में, हाँ हाँ, दी जाए कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस मिल जाए, ताकि उन लोग को किसी से आने से पहले जो डिफेंस चाहिए उन लोग को मिल जाए, ये मैं चाहती हूँ। मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि सेल्फ डिफेंस स्कूल में लागू किया जाए। थैंक यू सो मच।